सबसे पहले गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज काफी अच्छा रिस्पॉन्स इन्वेस्टर्स ने आपको दिया है। तो ऑब्वियसली एक वोट ऑफ थैंक्स के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या मैसेज जो इन्वेस्टर्स ने साथ आपको दिया है इतना अच्छा, उनको देना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग और थैंक यू वेरी मच मुझे आज ये मौका देने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स को पहले कि थैंक यू जो आप ट्रस्ट हम में प्लेस किए हैं और जो आपने भरोसा हम पे दिखाया है वो हम भरोसे पे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और हमारी ये कमिटमेंट है कि जो वैल्यूज फर्स्ट हमारी फ्रेमवर्क है हम वही फ्रेमवर्क में काम करेंगे, यानी फर्स्ट फेयरनेस, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, सिंसियरिटी और ट्रांसपेरेंसी। जो हमारी ये सोच है और हमारी ये बिलीफ है कि ये ट्रस्ट जो है जो साइंट शेयर होल्डर्स ने साइंट पे और अब साइंट डीएलएम पे दिखा रही है वो हमारी मोस्ट वैल्यूबल एसेट है और इस एसेट के वजह से ही हम इतने सक्सेसफुल हुए हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजनेस तो अच्छी है और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं जो हमने डीआरएचपी में, आरएचपी में और जो वेरियस फोरम्स में हमने कम्युनिकेट किए हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारी कमिटमेंट यह है कि हम बिजनेस अच्छी तरह से चलाएंगे, हम बिजनेस हमारी वैल्यूज फ्रेमवर्क में चलाएंगे। बट मैं ये एश्योरेंस देते हुए धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे इन्वेस्टर्स को जो हम पे ये ट्रस्ट दिखा रहे हैं आज। डेफिनेटली सर, लेकिन जो फंड हमने कलेक्ट किया है, अगेन थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को बताएं कि जो यूज रहेगा उसका, किस दिशा में ये पैसा जाने वाला है सर? ये फंड्स जो हम रेस कर रहे हैं तीन चीज के लिए यूज करने वाले हैं। पहली थोड़ी एक्सटर्नल डेट है और जैसे आप जानते हैं कि जहां इंटरेस्ट रेट्स वगैरह है तो थोड़ा डेट कम करना ही अच्छा है ये सिचुएशन में। करीबन 200 करोड़ की एक्सटर्नल डेट है जो हम पे बैक करेंगे और करीबन शायद 150 करोड़ की साइन डेट है जो हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले सालों में, ऑपरेशन से पे बैक करेंगे। तो पहले डेट के लिए यूज करेंगे, डेट पे बैक के लिए, क्योंकि अगर डेट कम कर सके तो वो जो फाइनेंशियल चार्जेस है हम वो भी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं जो अब फाइनेंशियल चार्जेस के लिए पे कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छी दिख रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि बैकलॉग और पाइपलाइन पे बेस्ड हमारी ग्रोथ अगले 2-3 सालों में इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा ही रहेगा। इंडस्ट्री तो 30% ग्रोथ की बात हो रही है इंडस्ट्री में, हमारी ग्रोथ भी उससे वही रेंज में होगा, उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो उसके लिए तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होगी, तो दूसरी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे। और तीसरी जो कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स है, एक दो एक्विजिशंस, छोटे एक्विजिशंस की जरूरत है क्योंकि जैसे हमारे पास ज्यादा कैपेसिटी है लेकिन कैपेबिलिटी में थोड़े एरियाज में हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्पेशली कस्टमर प्रॉक्सिमिटी जो है, कस्टमर के पास जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, कस्टमर के पास जो फाइनल असेंबली होती है, वो सब स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो तीसरी इसके लिए यूज करेंगे। तो ये तीन चीजों के लिए यूज होगा, एक तो डेट रीपेमेंट, दूसरी वर्किंग कैपिटल और तीसरी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है सर, जैसा आप बता रहे हैं कि क्योंकि एक चंक जो है इस पैसों के एक्विजिशन की और आप इन्वेस्ट करने वाले हैं इस पैसों में से, तो इसके बारे में आप बताइए, कोई लक्ष्य, कोई स्पेसिफिक सेगमेंट आपने सोच रखा है इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए? तो शॉर्टलिस्ट तो अभी तक नहीं हुई, हम वो काम पे है। लेकिन जैसे आप सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हमारी जो मैं बोल रहा था कि कैपेसिटी तो है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी कम ही है अभी, तो कैपेसिटी तो है हमारे पास, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो ये कैपेसिटी इंडिया में है उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए कैपेबिलिटी के साथ। जब मैं कैपेबिलिटी के बात करता हूं तो ये कैपेबिलिटी की मीनिंग हमारी डेफिनेशन में ये है कि जो कस्टमर्स के हैं उनके थोड़े रिक्वायरमेंट्स है, प्रॉक्सिमिटी, जो उनकी फाइनल असेंबली है उसके पास हमारी कैपेबिलिटी हो, या थोड़े डिजाइन स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड डिजाइन होते हैं उसकी स्पेसिफिक एलिमेंट्स, तो वो एरियाज में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथन कैसे किया जाए एक्विजिशन की द्वारा। और इंडस्ट्रीज फोकस तो हमारी चार इंडस्ट्री फोकस है, एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल और मेडिकल। और अभी तो हम वो चारों में से डिविएट तो नहीं होंगे क्योंकि ये चार में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत है, हमारी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं, वर्ल्ड क्लास कस्टमर्स। तो फोकस तो ये चारों एरियाज पे ही रहेगी, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि कैपेबिलिटी एनहांस करने के लिए एक्विजिशन यूजफुल रहेगा।
ठीक है सर, लेकिन आपका जो ये केबल हार्नेस और पीसीबी का बिजनेस है मेक इन इंडिया में काफी अच्छे से फिट बैठ रहा है, क्या यहाँ पे कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज स्पेशली पीसीबी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं इसको? तो हमारी तीन कैपेबिलिटी है, जैसे आप बोल रहे थे पीसीबी एक है, वायरिंग हार्डनेस दूसरी है और तीसरी बॉक्स बिल्ड है, यानी पूरे वायरिंग और केबल को साथ में ला के पूरी एंड प्रोडक्ट बनाने की कैपेबिलिटी। और जैसे आप बोल रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत और इंडिया फोकस, तो अब बहुत मेन स्ट्रीम हो गई है और कंपनीज इसके जो कैपेबिलिटीज इंडिया में है और जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में है कंपनीज इसकी बहुत फोकस कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है और हमारे आगे जो आप देख रहे हैं ये मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत फोकस में आई है, अच्छे अच्छे कंपनीज आए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, अच्छे अच्छे कंपनीज पब्लिक भी कह चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग में। हमारी फोकस तो ये है कि हम जो कैपेबिलिटी बिल्ड किए हैं वो लो वॉल्यूम हाई कॉम्प्लेक्सिटी रिलायबिलिटी सेफ्टी इंडस्ट्रीज पे फोकस है हमारी। तो इसीलिए तो जो चार इंडस्ट्रीज मैंने बताया था एरोस्पेस डिफेंस मेडिकल इंडस्ट्री, इसीलिए हम ये चार इंडस्ट्रीज पिक किए हैं क्योंकि इनमें डिफ्रेंसिएशन की बहुत जरूरत होती है, जैसे डिजाइन की डिजाइन कॉन्टेंट जो होती है, डिजाइन क्रिटिकलिटी वो जो होती है वो ज्यादा होती है, वो पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जब डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग आती है तो मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि स्पेशल प्रोसेसेस रहते हैं, ट्रेसेबिलिटी रहता है। तो ये चीजों के वजह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन की कन्वर्जेंस है वो बहुत यूनिक है और ये रेलेवेंट है हाई कॉम्प्लेक्सिटी लो वॉल्यूम इंडस्ट्रीज के लिए। तो हमारी फोकस ये चार इंडस्ट्रीज में ही रहेगी क्योंकि जो हमारी पूरी सप्लाई चेन से मैन्युफैक्चरिंग तक की सेटअप है ये सपोर्ट करती है हाई वॉल्यूम सॉरी लो वॉल्यूम हाई कॉम्प्लेक्सिटी और उस पर फोकस रहेगा। और जैसे आप देख रहे हैं ये चारों इंडस्ट्रीज में तो भारत में बहुत फोकस है, अब डिफेंस एरोस्पेस, अब तो इंडिया एरोस्पेस मार्केट के लिए विश्व में सबसे ज्यादा दो तीन कंट्रीज में फ्लाइट्स के लिए और परचेसेस में तो टॉप कंट्री है राइट नाउ। तो इसीलिए हम अपॉर्चुनिटीज बहुत देख रहे हैं और फोकस इन्हीं इंडस्ट्रीज पे रहेगी।